बॉस्टन डायनामिक्स का नया ह्यूमनॉइड रोबोट एआई की दुनिया में बड़ी खबर बन गया है। बॉस्टन डायनामिक्स ने ह्यूमनॉइड रोबोट के नए वर्जन को पेश किया है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम एटलस है। कंपनी का कहना है कि इसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम हर रोज अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने इस रोबोट का एक वीडियो भी जारी किया है। नए वर्जन को स्विवलिंग जॉइंट्स के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि ये डल, डर्टी और डेंजरस टास्क्स करने में सक्षम है। कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि एटलस का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ज्यादा मजबूत, समझदार और ज्यादा फुर्तीला है। कंपनी ने रोबोट को इस तरह तैयार किया है कि वो किसी काम को करने के लिए कुशलता के साथ सबसे मुमकिन तरीके से मूव कर सके। टेस्ला के ऑप्टिमस जैसे बाइपीडल रोबोट्स की तरह नए एटलस में अब लंबे लिम्स, सीधी पीठ और एक अलग सिर है। ये सिर जरूरत के मुताबिक चारों ओर घूम सकता है। इसमें कोई केबल दिखाई नहीं दे रही है और इसके फेस पर एक बिल्ट इन रिंग लाइट शामिल है। बॉस्टन डायनेमिक्स ने कहा कि नए एटलस का टेस्ट अगले कुछ सालों में कस्टमर्स के एक छोटे ग्रुप के साथ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ह्युंडई से होगी। बॉस्टन डायनेमिक्स एक अमेरिकन इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स डिजाइन कंपनी है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।